हेलो माय डियर किड्स आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो हमने पिछली वीडियो में अपनी एन बुक मृदांग की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और हमने देखा था नेम ऑफ द यूनिट इज़ फन विद फ्रेंड्स और जिसमें हमने अपनी फर्स्ट पोएम स्टार्ट की थी एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ माय बाईसाइकल आज हम इस वीडियो में उस पोयम की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए तो एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले मैं एक बार पोएम को फिर से रिसाइट कर रही हूँ तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे राइट सो द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई बाईसाइकिल राइट वॉट इज द नेम ऑफ द पोएम माई बाईसाइकल आई हैव अ रेड बाई साइकिल आई पैडल एंड आई राइड ट्रिन 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 गोज द बेल मेक्स माई फ्रेंड्स मूव अ साइड The seat is blue in color, the tires and pedals are black, sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. Right? So, this is our poem, and the name of the poem is My Bicycle. इस पोएम में हम बेसिकली एक चाइल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमें अपनी बाईसाइकिल के बारे में बता रहा है वो बता रहा है कि उसकी रेड बाईसाइकिल है राइट कलर ऑफ द बाईसाइकिल इज रेड वो जब उसे पैडल करता है तो वो उसे राइड कर आगे बढ़ाता है राइड करता है और जो उसकी जो बैल की आवाज़ है वो है ट्रिन 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 और जब वो अपनी बैल की आवाज़ निकालता है ना बाईसाइकिल में ट्रिन 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 बजाता है तो उसके फ्रेंड्स जो है वो स, उस वॉइस को सुन के साइड में हो जाते हैं राइट उसके आगे हमने पढ़ा था द सीट इज ब्लू इन कलर द टायर्स एंड पैडल्स आर ब्लैक और उसकी जो बाईसाइकिल की सीट थी उसका कलर क्या था दैट इज ब्लू कलर और उसके जो टायर्स और पैडल्स थे उनका कलर क्या था उनका कलर है ब्लैक कलर समटाइम फास्ट समटाइम स्लो बट माई साइकिल इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक और वो कहता है जो मेरी बाईसाइकल है वो कभी कभी तो बहुत फास्ट चलती है कभी स्लो चलती है लेकिन मेरी बाईसाइकिल ना हमेशा ट्रैक पर रहती है हमेशा रास्ते पर रहती है और सही से चलती है और फिर वो आगे क्या बोलता है टू कीप माई बाईसाइकिल मूविंग ऑल आई नीड इज सम एयर कि जब मुझे अपनी बाईसाइकिल को मूव करना होता है ना आगे तो आपको पता है बाईसाइकिल में व्हील्स होते हैं और व्हील्स को चलाने के लिए उसमें एयर की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें बोलते हैं कि उसमें मुझे एयर डलवानी पड़ती है फिर आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर फिर चाइल्ड कहता है फिर मैं अपना हेलमेट पहन लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए है ना हमें हेलमेट पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए राइट और फिर मैं अपनी बाईसाइकिल पर कहीं भी इधर उधर हर जगह घूमता रहता हूँ ठीक है सो so, ये पोयम है हमारी ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की है वो आप देख सकते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो देखते हैं लेट स्पीक राइट यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेट शेयर विद क्लास तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन अ बाईसाइकिल क्या आपने कभी बाईसाइकिल देखी है तो अगर आपने बाईसाइकिल देखी है तो आप क्या बोल सकते हैं येस आई हैव सीन अ बाईसाइकल हाँ मैंने बाईसाइकिल देखी है राइट सेकेंड क्वेश्चन है वेयर हैव यू सीन इट आपने ये जो बाईसाइकिल है वो कहाँ देखी है तो आप बता सकते हो आई हैव सीन बाईसाइकल ऑन रोड्स नियर माई हाउस इन द पार्क आपने जहाँ जहाँ बाईसाइकिल देखी है आप वो बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट कलर इज़ इट आपने जो बाईसाइकिल देखी थी ना उसका कलर क्या था तो आपने जिस भी कलर की देखी हो रेड ब्लैक वो आप इसमें लिख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन इज हु जनरली राइट सेट राइट सेट जो आपने बाईसाइकिल देखी थी ना उसे राइट कौन करता है आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिसके आपकी बाईसाइकिल हो आपकी खुद की बाईसाइकिल भी हो सकती है आपके पेरेंट्स भी बाईसाइकिल चला सकते हैं तो आप बता सकते हो आपने किसको को बाईसाइकिल चलाते हुए देखा है राइट नेक्स्ट इज हैव यू सीन अ ट्राई साइकिल ये जो पोयम थी इसमें हमने बाईसाइकिल के बारे में डिस्कस किया था बाईसाइकिल क्या होता है जिसमें टू व्हील्स होते हैं आपको दिख रहा है ना इस पोयम में जो चाइल्ड साइकिल चला रहा है उसमें टू व्हील्स है और अब ट्राई साइकिल क्या होती है ट्राई साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें हमारे थ्री व्हील्स होते हैं आपने देखा होगा उसमें एक व्हील हमारा आगे लगा होता है और दो व्हील्स पीछे की साइड लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं हम ट्राई साइकिल राइट तो अगर आपने ट्राई साइकिल देखी है तो आप बोल सकते हो येस आई हैव सीन ट्राई साइकिल एंड लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सिक्स क्वेश्चन है हैव यू सीन अ व्हील चेयर क्या आपने व्हील चेयर देखी है व्हील चेयर आपने देखी होगी व्हील चेयर कौन यूज़ करते हैं जो पर्सन चल नहीं सकते या किसी के पैर में दिक्कत हो तो आपने देखा होगा वो उस पर बैठ कर जाते हैं तो उस चेयर को कहा जाता है व्हील चेयर वो एक तरह की चेयर होती है और उसमें साइड में व्हील्स लगे होते हैं मूव करने के लिए तो इस चेयर को हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जाता है तो इसे बोला जाता है व्हील चेयर ठीक है तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं ये जो नोट्स है ये बेसिकली टीचर्स के लिए दिए हुए हैं कि हम इस लेसन को कैसे जो है बच्चों तक तो कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं आगे देखते हैं और क्या है इसमें नेक्स्ट पेज पर देखिए लेट स्पीक लेट स्पीक पर यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दे रखे विद वर्ड्स अब हम उन्हें प्रोनाउंस करेंगे तो सारे बच्चे रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर यहाँ पे पिक्चर के साथ वर्ड दे रखे हैं उसे हम प्रनाउंस करेंगे रीड करेंगे तो मेरे पीछे बोलेंगे सारे एन एंट फर्स्ट वर्ड इज एन एंट सेकेंड वर्ड इज एन एक्स एन एक्स थर्ड वर्ड इज एन एप्पल एन एप्पल फोर्थ वर्ड इज़ अ रेट अ रेट फिफ्थ वर्ड इज अ कैट अ कैट सिक्स वर्ड इज अट आ मैट आगे सेवेंथ वर्ड इज़ अ पैन अ पैन एट वर्ड इज अ मैन अ मैन एंड लास्ट वर्ड इज़ अ कैप अ कैप राइट सो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे जिन्हें हमारे हमें जिनकी स्पेलिंग आनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से आना चाहिए आगे देखिए आगे हमारा क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एक बाईसाइकिल दी हुई है ठीक है आपको दिख रही होगी क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ बाईसाइकिल इन द गिवन पिक्चर इवन इन द गिवन बॉक्सेस यू मस्ट यूज़ द हेल्प बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग नेम्स यहाँ पर बाईसाइकिल दे रखी है और उसके जो पार्ट्स होते हैं बाईसाइकिल के उनके नेम्स दे रखे हैं हेल्प के लिए अब हमें क्या करना है अब हमें इस हेल्प बॉक्स का यूज़ करके बताना है कि बाईसाइकिल का कौन सा पार्ट कहाँ पर है तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड इज सीट तो हम सीट ढूंढते हैं आप सभी जानते हैं ये हमारी सीट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीट सेकेंड वर्ड इज पैडल पैडल हम जानते हैं पैडल से ही हमारी बाईसाइकिल आगे की तरफ मूव मूव करती है तो ये हमारा पैडल है तो यहाँ पर आप लिख देंगे पैडल इस बॉक्स में राइट थर्ड वर्ड है हमारा व्हील अब आप व्हील जानते हो व्हील क्या होते हैं दिस इज व्हील राउंड राउंड व्हील तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हील राइट नेक्स्ट वर्ड इज बैल बैल ढूंढते हैं बैल कहाँ है दिस इज बैल तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैल राइट right. नेक्स्ट इज़ हैंडल हैंडल कहाँ है? हमारी बाईसाइकिल का ये रहा हमारा हैंडल तो यहाँ लिख देंगे हम हैंडल नेक्स्ट वर्ड इज़ कैरियर कैरियर क्या होता है किसी को कैरी करना और कैरी हम बाईसाइकिल में अपनी पीछे वाली सीट पे करते हैं तो ये हमारी हो गई कैरियर एंड लास्ट इज लास्ट वर्ड इज़ ब्रेक बाइसाइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं ना तो ढूंढिए ब्रेक कहाँ है यस yes. ये हमारा ब्रेक आ गया इधर तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेक ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस पिक्चर से रिलेटेड अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको क्या दिया हुआ है लेटेस्ट थिंक में क्या दिया हुआ है इमेजन दैट यू हैव अ मैजिक बाईसाइकल ड्रॉ इट इन द बॉक्स इमेजिन करो अगर आपके पास एक मैजिकल बाईसाइकिल हो तो आपको वो बाईसाइकिल अपने इस बॉक्स में ड्रॉ करनी है ठीक है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ये जो नोट्स है ये टीचर्स के लिए दिए हुए हैं कि हम ये आ, लेसन को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट्स राइट का ठीक है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं फर्स्ट है हमारा द चाइल्ड इन द पोयम हैज अ डैश बाईसाइकिल उसके पास चाइल्ड के पास कैसी बाइसाइकिल थी वॉट इज द कलर ऑफ द बाईसाइकिल रेड यस तो यहाँ आ जाएगा रेड द साउंड ऑफ डैश मेक द मूव असाइड किस चीज का साउंड जब चाइल्ड कर रहा था तो लोगों को असाइड कर रहा था साउंड ऑफ बैल यस यहाँ पे आ जाएगा हमारा साउंड ऑफ बैल बैल सुन के लोग जो है पीछे हो जाते हैं है ना और थर्ड है हमारा थर्ड देखिए द डैश एंड डैश आर ब्लैक ब्लैक कलर किसके लिए बताया था चाइल्ड ने ब्लैक कलर हमारा बताया था पैडल के लिए और टायर्स के लिए तो यहाँ पर हमारा पैडल आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा टायर्स राइट right. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुट आ राइट मार्क हमें टिक मार्क लगाना है फॉर द करेक्ट सेंटेंसेस एंड रोंग मार्क हमें रोंग का क्रॉस वाला मार्क लगाना है फॉर इनकरेंट सेंटेंसेस यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं अब हमें देखना है क्या वो इस ये सेंटेंसेस हमारी जो पोयम थी उससे रिलेटेड है या नहीं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड हैज़ अ ब्लू बाईसाइकिल क्या चाइल्ड क्या चाइल्ड के पास जो बाईसाइकिल थी उसका कलर ब्लू था नहीं ना उसका कलर था रेड तो ये हो गया हमारा रॉन्ग तो हम क्रॉस का मार्क लगा देंगे नेक्स्ट इज़ द बैल गोस ट्रिन 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 बैल की वॉइस क्या थी ट्रिन 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 ये बिल्कुल सही है तो हम इस पर लगा देंगे हमारा राइट द चाइल्ड्स बाईसाइकल इज़ ऑलवेज़ फास्ट क्या जो चाइल्ड की जो बाईसाइकल थी वो हमेशा फास्ट रहती थी उसने कहा था ना कभी मेरी बाईसाइकिल स्लो चलती है कभी फास्ट चलती है तो ऑलवेज़ फास्ट वो नहीं थी तो रॉन्ग नेक्स्ट द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग क्या चाइल्ड को बाईसाइकिल को मूव करने के लिए वाटर की जरूरत थी उसने तो बोला था मुझे एयर की जरूरत थी तो दिस इज रॉन्ग एंड लास्ट इज द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल क्या चाइल्ड जो है अपना हेलमेट पहनता है बाईसाइकिल को राइड करते हुए तो यस yes, वो बाईसाइकिल को राइड करते हुए हेलमेट पहनता है तो ये हमारा हो गया करेक्ट तो देखिए ये था हमारा ये चाइल्ड जो जो हमें बता रहा है कहाँ हमें राइट लगाना चाहिए और कहाँ हमें क्रॉस लगाना चाहिए तो ये थी हमारी पोयम जिसकी हमने पूरी एक्सरसाइज भी देख ली है पोयम पढ़ ली है उसका मीनिंग समझ लिया है राइट तो आप इस पोयम को अच्छे से पढ़िए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच एवरी